लो आज फिर पराजित हो गए तुम सब देवता। प्रतीत होता है तुम सब देव हम असुरों से पराजित होने के लिए ही पड़े हुए हो। देवताओं के इस दशा को सुधारने के लिए देवर्षि दुर्वासा एक एकांत स्थान पर हवन कर रहे थे, जिसका उद्देश्य था एक सिद्ध शक्ति प्राप्त करना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंततः मुझे इस यज्ञ का फल मिल ही गया। मैंने वो दिव्य पारिजात की माला प्राप्त की है जिसके धारण करने से बल बुद्धि और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। मैं ये दिव्य माला देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा, जिसके पश्चात वो असुरों से कभी पराजित नहीं होंगे। अच्छा हुआ दुर्वासा ऋषि ने हमें देखा नहीं, देखते तो क्या हो जाता, हम दोनों को श्राप दे देते। ऋषियों में एक यही तो है जिनके श्राप से देवता भी कांपते हैं। अच्छा, किंतु प्रतीत होता है हमारे कांपने का समय शुरू हो गया है। वो कैसे, तुमने देखा नहीं क्या, उन्होंने हम असुरों को पराजित करने के लिए दिव्य शक्ति अर्जित की है, उसे ही देने वो इंद्र के पास जा रहे हैं। चलो ये बात हम असुरराज को बताते हैं। अपनी गति और बढ़ाओ ऐरावत, आज हम कई दिवस पश्चात धरती लोक के आनंद वन में जाकर अप्सराओं का नृत्य देखेंगे। अब गति तो थोड़ी और तीव्र करो। ये तो देवराज इंद्र के गजराज ऐरावत का स्वर है, इसका अर्थ है कि इंद्र धरती लोक पर ही आ रहे हैं। ये तो ऋषि और दुर्वासा है, अकस्मात मेरे मार्ग में कैसे। देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए ऋषिवर। कल्याण भवा, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए देवराज, अन्यथा हमें इंद्रलोक आना पड़ता। इंद्रलोक क्यों ऋषिवर। चिंतित मत हो शचीपति, हम तो तुम्हें ये बहुमूल्य उपहार देना चाह रहे हैं, ये पारिजात की बहुमूल्य माला। ओ अच्छा अच्छा, हाँ क्यों नहीं। गजराज ये माला देवराज इंद्र के गले में पहना दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, मैं तनिक शीघ्रता में हूं, चलता हूं। प्रणाम। कल्याण भाव। ऐरावत चलो। अरे शीघ्रता में मैं देवराज इंद्र को उस माला की दिव्यता और अपार शक्ति के बारे में बताना तो भूल ही गया। इसे तुम ही पहन लो ऐरावत, वैसे भी इससे अधिक सुंदर और सुगंधित मालाएं
अप्सराओं के हाथों में मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ओ लगता है तुम्हें भी ये माला नहीं अप्सराओं के हाथों की माला चाहिए। हाँ मेरा ये अपमान, तुमने मेरी घोर साधना का अनादर किया है देवराज। तुम्हें अपने सिंहासन और इंद्रलोक के ऐश्वर्य पर बहुत घमंड है ना? तो जाओ, मैं तुम्हें समस्त देवों समेत स्वर्ग लोक से बलहीन और श्रीहीन हो जाने का श्राप देता हूँ। ये मैंने क्या किया? एक क्षण में मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। अब मैं स्वर्ग लोक का राजा नहीं, एक धरती लोक का एक साधारण मनुष्य बनकर रह गया हूं। क्या नहीं दूसरे देवताओं के साथ क्या हुआ होगा? देवराज इंद्र, देवराज, देवराज इंद्र। ये सब अकस्मात कैसे हुआ देवराज इंद्र? ऋषि दुर्वासा के भीषण श्राप के कारण। क्या श्राप? वो भी ऋषि दुर्वासा का? किंतु भूल मेरी ही थी। आपकी? परंतु अब इसका निदान क्या है? यदि असुरों को हमारी इस स्थिति के बारे में ज्ञात हुआ तो वो इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं देवराज। हाँ राहुल जी, और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। और अब तो दिव्य शक्ति पाकर देवता हम असुरों से और अधिक बलशाली हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दिव्य शक्ति अब देवताओं के लिए वरदान नहीं अपितु अभिशाप बन चुकी है। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। असुरों की सदा ही जय। ऐसा क्या हो गया गुरुवर? ज्ञात हुआ है कि उस दिव्य पारिजात माला का अपमान करने के कारण दुर्वासा ऋषि क्रोहित हो गए और उन्होंने समस्त देवताओं और स्वर्ग लोक को श्रीहीन और ऐश्वर्यहीन होने का श्राप दे दिया है, जिसके फलस्वरूप देवता दुर्बल और ऐश्वर्यहीन हो चुके हैं। तो फिर यही सही अवसर है असुरगुरु, हम देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें समूल नष्ट कर देते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही विचार कर रहा हूँ राहु। ये अच्छा अवसर है, इससे पहले कि देवता अपने इस दुख और पीड़ा से निकलने का मार्ग ढूंढ लें, हमें इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। देवताओं की ऐसी दुर्दशा का समाधान क्या था प्रभु? क्योंकि असुर वो तो किसी भी समय देवताओं पर आक्रमण कर सकते थे। इसी समस्या के निदान हेतु सभी देवता सबसे पूर्व ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव उन्हें लेकर श्री हरि नारायण के समक्ष प्रस्तुत हो गए। हे देवगणों, कुछ घटनाओं का परिणाम भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। यह किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है, इसलिए मैं सदा ही आपसे कहता हूं, यदि आप सक्रिय नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो आपकी पराजय होती रहेगी। किंतु प्रभु, इस गंभीर समस्या का निदान क्या है? क्योंकि असुर किसी भी समय हम देवताओं पर आक्रमण कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान असुर ही है ब्रह्मदेव। हमारे शत्रु
वो असुर इस समस्या का कैसे निदान कर सकते हैं प्रभु? ये कैसे संभव है? प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, कृपया हम देवताओं का मार्गदर्शन करें कि हमें आगे क्या करना होगा। असुरराज बलि, क्या विचार कर रहे हैं आप महाराज? ये स्वर्णिम अवसर बार बार नहीं आता, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए। हाँ महाराज, हम असुरों ने स्वयं को इतना योग्य बना रखा है, अन्यथा इससे पूर्व यही देवता हमें अपने चरणों से ठोकर मारकर गिरा देते थे, अपने बराबर बैठना तो दूर खड़ा होने तक नहीं देते थे। आज हमारा पलड़ा भारी है, हमें उन देवताओं को उचित पाठ पढ़ा ही देना चाहिए। यदि आप सबकी यही राय है तो उचित है, हम सब असुर मिलकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं और उनसे उनका बचा कुचा राजपाट भी छीन लेते हैं। महाराज की जय हो। देवताओं के राजा इंद्र देवगणों के साथ आए हैं महाराज, आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। सारे देवतागण यहाँ पर, भला उन्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? मुझे लगा ही था ये देवतागण कोई ना कोई चाल अवश्य चलेंगे, मगर अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होने वाली। महाराज आप उन देवताओं से मत मिलिए। सरिक, जाकर कह दो देवराज इंद्र से कि हमारे महाराज भेंट के नहीं अपितु युद्ध के अभिलाषी हैं। रुको, उन्हें भीतर बुला लो। जी महाराज। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? देवताओं से युद्ध करने के स्थान पर आप उनसे भेंट करना चाहते हैं? गुरुदेव, हम असुर अवश्य हैं, किंतु उसके साथ हम असुरों के राजा भी हैं, और मेरा राजधर्म इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उनकी बात सुने बिना ही उन्हें अपने द्वार से लौटा दूं। ये मैंने आपसे ही सीखा है गुरुदेव, फिर आज इस नियम की अवहेलना क्यों? तुम्हारा तो यही हश्र होना था देवताओं, देखकर मन आनंदित हो गया। देवराज इंद्र, मैं असुरराज बलि आपका स्वागत करता हूँ। बताए देवराज इंद्र क्या चाहते हैं? असुरराज बलि, हम एक प्रस्ताव लेकर आपके समक्ष आए हैं। कैसा प्रस्ताव? आप सबको तो ज्ञात ही होगा, प्रलय काल के पश्चात सृष्टि की अमूल्य निधियां समुद्र में समाहित हो गई थी, वो अब तक समुद्र तल में ही स्थित है। हाँ, हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि समुद्र के भीतर महातल में वो अमूल्य निधियां स्थित हैं, जो संसार में अन्यत्र और कहीं नहीं मिल सकती। वैसी अमूल्य निधियों को पाना किसी स्वप्न जैसा है, किंतु अकस्मात आपको ये सब आज कैसे स्मरण हुआ है? क्योंकि हम चाहते हैं कि देव और असुर मिलकर समुद्र तल से उन निधियों को निकाल ले। देवराज इंद्र, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि आप अभी अभी श्री हरि विष्णु से मिलकर आ रहे हैं, और ये विचार भी आपको श्री हरि विष्णु ने ही दिया। परंतु हमें आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं। और वैसे भी इसमें हमारा क्या लाभ है? अवस्था तो आपकी दयनीय है, इसमें भला हम आपका सहयोग क्यों करें? आप तो हमारे शत्रु हैं। और आपको ये विचार आया भी कैसे कि इसके लिए हमारे महाराज मान जाएंगे? क्योंकि समुद्र के महातल से जो भी प्राप्त होगा वो हम देव और असुरों के मध्य आधा आधा बांटा जाएगा। हाँ, और आपके सहयोग के बिना हम यह दूभर कार्य अकेले नहीं कर सकते। और हमारे सहयोग के बिना उन अमूल्य निधियों को आप भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और आपने सत्य कहा असुरराज,
हम अवश्य अपना लाभ देखकर ही यहाँ आए हैं, किंतु इसमें आपकी हानि ही क्या है? न जाने समुद्र के महातल से क्या प्राप्त हो। सुना है अमृत भी वहीं स्थित है। कहीं महाराज हाँ ना बोल दें, मुझे कुछ करना होगा। किंतु महाराज ये तो असंभव कार्य है। अमूल्य निधियां समुद्र के महातल के अंदर स्थित है और उसे निकालना असंभव। परंतु समुद्र मंथन से इसे संभव किया जा सकता है। समुद्र मंथन अर्थात विशाल समुद्र की घुटाई। हाँ, जिससे समुद्र तल में स्थित सारी अमूल्य निधियां बाहर आने लगेगी। परंतु इस विशाल समुद्र को कैसे मथा जा सकता है देवराजेंद्र, बताइए। उसके लिए हमने पर्वत मंदराचल से बात कर ली है। मंदराचल पर्वत को समुद्र के मध्य स्थित कर दिया जाएगा और नागराज वासुकी बनेंगे नेति, जिन्हें रस्सा बनाकर मंदराचल पर्वत पर लपेट दिया जाएगा। इसके पश्चात हम दोनों ओर से नागराज वासुकी रूपी रस्सी को पकड़कर मंदराचल को एक मथनी की भांति उपयोग करेंगे। देवराज इंद्र, पथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। क्षमा करें गुरुदेव, कुछ कार्य राजविधान के अंतर्गत भी आते हैं और ये कार्य मुझे असुर जातियों के हित में लग रहा है। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं इंद्र, आप इसकी तैयारी करें। असुर राजबलि, तुम अपने इस निर्णय पर अवश्य पछताओगे। देखना ये देवता तुम्हारे साथ कैसा छल करते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य तो किसी भी मूल्य पर समुद्र मंथन के लिए तैयार नहीं थे, किंतु राजा बलि ने देवराज इंद्र के प्रस्ताव को मान लिया था तो अब वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। राजा बलि अगले दिन अपने असुर योद्धाओं के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। असुर हर कार्य में अपनी बुद्धि अवश्य लगाते हैं, ये जानकर देवराज इंद्र ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। महाराज, मैंने असुर गुरु को मनाने का बहुत प्रयास किया किंतु वे साथ नहीं आए। कोई बात नहीं राहु, जब हम उन अमूल्य निधियों को गुरुदेव के समक्ष पहुंचा देंगे तो फिर देखना वे कितना प्रसन्न होते हैं। देवराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि हम लोग नागराज वासुकी को सर की ओर से क्यों पकड़े हुए? इससे तो बहुत सारा विष हमारी ओर आएगा ना। हमें ज्ञात है वायुदेव, इससे क्षति हमारी ही होगी। फिर भी हमने ऐसा क्यों किया देवराज? इन असुरों के पास कितनी बुद्धि है और ये कब और क्या सोचते हैं, इसका मुझे पूरा ज्ञात है वरुण देव। आप बस देखते जाइए। महाराज, हमें असुर गुरु की चेतावनी को भूलना नहीं चाहिए। क्या? यही कि देवता अवसरवादी हैं, केवल अपने लाभ के विषय में ही सोचते हैं। राहुल, मसूरज वाले के साथ समुद्र मंथन के लिए जा तो रहे हो, परंतु एक बात अवश्य स्मरण रखना, इंद्र तुम्हें कुछ भी कहे या करने को कहे उसे पहले कदापि मत कर। मैं समझ गया गुरुदेव। कल्याण।
देखा महाराज इन चतुर देवताओं के कृत्य को, कैसे जानबूझकर इन्होंने नागराज वासुकी को सर की ओर से पकड़ रखा है ताकि समुद्र मंथन के समय जो कुछ भी प्राप्त हो वो नागराज वासुकी के मुंह में छिपा सके और बाद में उसे प्राप्त कर सके। मुझे तो असुर गुरु ने पहले ही सब स्पष्ट समझा दिया था कि इन देवताओं की बातों में कभी भी पहले मत आना, अन्यथा पछताओगे। वहां क्या खड़े हैं असुर राज बलि? आइए। कदाचित तुम उचित कह रहे हो राहु, असुर गुरु पहले से ही समुद्र मंथन के पक्ष में नहीं थे और यदि मैंने उनकी ये बात नहीं मानी तो वो क्रुद्ध भी हो सकते हैं। और फिर उसके पश्चात वही हुआ। राजा बलि ने नागराज वासुकी के मुख की ओर से पकड़ने का निश्चय किया और देवतागण पूंछ की ओर आ गए, परंतु देवराज ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि नागराज वासुकी के मुख से निकलने वाले विष का प्रभाव असुरों पर लंबे समय तक बना रहे। और फिर आरंभ हुआ देव और असुरों द्वारा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के कुछ समय पश्चात मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर समाने लगा, जिससे समुद्र मंथन का कार्य रुक गया। तो फिर श्री हरि नारायण कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर उसका आधार बन गए, जिससे रुका हुआ समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो गया। और ये समुद्र मंथन सहस्र वर्षों तक चलता रहा। इस समुद्र मंथन से जो पहला पदार्थ निकला वो था हलाहल फिश। जब हलाहल विश ने संपूर्ण संसार को आच्छादित करना आरंभ किया तब महादेव ने वो विष बांधकर अपने कंठ में स्थित कर लिया। और इसीलिए प्रभु नीलकंठ कहलाए। हलाहल के पश्चात समुद्र तल से जो दूसरी अमूल्य निधि मिली वो थी कामधेनु गाय। क्योंकि कामधेनु गाय लक्ष्मी स्वरूपा थी इसलिए उनके उत्सर्जन के पश्चात ही सभी देवतागण शापमुक्त भी हो गए। कालांतर में उस दिव्य गौ को देवराज इंद्र ने तुम्हारे पिता ऋषि जमदग्नि को सौंपा ताकि वो जन कल्याण का कार्य कर सके। आज वही दिव्य गौ तुम्हारे समक्ष है जिससे तुम्हारा आवेश शांत हो चुका है। मैं माता कामधेनु को इसके लिए बारंबार प्रणाम करता हूं।